कमीशन के निर्देश अनुसार हम लोगों ने सभी काउंटिंग सेंटर की तैयारियां पूरी कर ली है और आज हम लोगों का फाइनल राउंड ऑफ ट्रेनिंग यहां पर चल रहा है। इसके बाद में यदि हम देखें तो काउंटिंग सुबह 8 बजे प्रारंभ होगी। 6:30 के आसपास हम लोग अपने स्ट्रॉन्ग रूम्स को खोलेंगे और फिर CEOs को कमरे में लाने का सिलसिला प्रारंभ हो जाएगा। पोस्टल बैलेट की काउंटिंग 8 बजे प्रारंभ होगी और EVMs की काउंटिंग भी 8 बजे प्रारंभ होगी। बेसिकली जब किसी एक कक्ष में दोनों उपस्थित रहते हैं यानी पोस्टल बैलेट और EVM, तो पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग प्रारंभ होती है और 30 मिनट बाद EVM की होती है। ये माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो निर्देश पारित किए हैं उसके तहत जो है जिला दंडाधिकारी और जो पुलिस अधीक्षक है इनको एक परफेक्ट सुरक्षा व्यवस्था इंश्योर करनी है जिसके तहत मतगणना पूरी शांतिपूर्वक ढंग से संपन्न हो सके। उसी को दृष्टिगत रखते हुए सभी पुलिस अधीक्षकों को मेरे द्वारा निर्देशित किया गया कि आज एक रिहर्सल रखें। रिहर्सल में उन अधिकारी कर्मचारियों को जिनको कल सवेरे से ड्यूटी में लगना है उनको इस प्रकार से पूरा ब्रीफ किया जाए कि कल हमें किस प्रकार से व्यवस्था संभालनी अपने अपने स्थानों पे, ये पूरी क्लैरिटी रहे। और रिहर्सल के दौरान जब हर कर्मचारी अधिकारी को चेक करते हैं तो उसको संबंधित स्थल के प्रभारी अधिकारी भी ब्रीफ करें ताकि कल किसी भी स्थिति में कोई कन्फ्यूज़न किसी को क्रिएट ना हो, यानी कि पोलिंग एजेंट्स को कहाँ से प्रवेश देना है, कैसा मशीन्स का मूवमेंट विद जो है CAPF वगैरह होना है। तो कुल मिला के हम लोगों का जो इंटेंशन ये है कि एक परफेक्ट व्यवस्था जो है मतगणना के दौरान जो माननीय इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के आदेश के तहत हमको जो है पूरा फॉलो करनी है वो व्यवस्था हम लागू करें और मतगणना जो है वो शांतिपूर्वक और निर्विघ्न संपन्न हो। Campus, we will have 9 counting halls, one exclusively for postal ballot and ETPBS counting, and the remaining 8 for the 8 assembly segments, which will be headed by the AROs. Counting agents have already been appointed, and all the staff has been appointed. Their training in 3 rounds has been completed. We have all the facilities in place as per the SOP of the ECI that has been issued regularly. Updated guidelines have been followed in full toto. We also have conducted a media briefing as along with a briefing of all the candidates and their agents. Tomorrow, the 4th of June is when that counting is going to take place. We are all well prepared for the whole election counting process. There are 20 PCs in Kerala, so we have 20 counting centers. Each parliamentary constituency has one counting center. Arrangements in terms of infrastructure is in place. All the counting halls are ready. Arrangements in terms of the security, we have a 3-tier security. Now, the innermost cordon is of central parliamentary forces. Then the police, state police comes in. So those three are fully in place. Officials are going to do the actual counting. They have been trained. 3 rounds of training have been done. They are also in place, well trained. They should be ready to start the counting tomorrow. That is number 2. And then, of course, the machines are ready to be counted. That is how it is. The candidates, counting agents also have been given their appointment letters. The media have been given their requisite passes. Everything is in place to have a counting tomorrow. क्राइम पॉइंट ऑफ व्यू हमने सफिशिएंट फोर्स हमारी लगा रखी है और जितना भी जो अरेंजमेंट होगा उसको हम ECI की गाइडलाइन को मद्देनजर रखते हुए उसको जरूर लगाएंगे और लॉ एंड ऑर्डर क्राइम पे हम इंश्योर करेंगे कि ऐसी कोई
असुविधा किसी को ना हो, क्योंकि नेक इम्पोर्टेंट रेंज है, मेन रेंज है, तो उसमें आफ्टर विनिंग या जो भी पार्टी जीतती है तो उसके मद्देनजर सेलिब्रेशन को लेकर क्या इंतजाम रहेंगे, क्या किस तरह से रहेगा थोड़ा सा? ये आपकी बात सही है, इसी को मद्देनजर रखते हुए ही हमने लोकल पुलिस का और सीएपीएफ का एडिक्वेट अरेंजमेंट लगा रखा है, और हमने इसका काफी रिजर्व भी रखा हुआ है कि जहां आवश्यकता होगी या जो सिचुएशन डेवलप होगी उस हिसाब से हम इसके ऊपर लॉ एंड ऑर्डर सिक्योरिटी अरेंजमेंट का डिप्लॉयमेंट करेंगे। देखिए, जिन जिन प्रत्याशियों को ये लगता है कि उनकी जीत सुनिश्चित है, उनकी तरफ से हमें ये डिमांड आना शुरू हो गई है कि उमेश भाई लड्डू कितने रुपए किलो है, और अगर हम लड्डू लेते हैं तो कितने रुपए किलो अपने को पड़ेंगे। इस तरह का सुन के हमें भी अच्छा लगा कि लोगों को ये प्रोत्साहित है कि अगर हमारी जीत सुनिश्चित है तो हम पहला काम गणेश जी से शुरू करते हैं, और गणेश जी की सबसे प्रिय चीज़ है लड्डू बूंदी के। तो ये बहुत अच्छी बात है कि लोगों की पहली धारणा ये होती है कि हम लड्डू से अपने नए जीवन की, नए व्यापार की, नए सत्र की शुरुआत लड्डू से करें। ठाकुर जी के आशीर्वाद से सोचते हैं अच्छे आने चाहिए। अभी जिन जिन प्रत्याशियों को ऐसा लगा है उन लोगों ने अपनी जो डिमांड है वो पूछी हुई है कि हम लोग कितना कितना लड्डू ले सकते हैं। मतगणना को लेकर आपकी तैयारियां, कितने प्रकार के लड्डू तैयार करा रहे हैं? मतगणना के लेकर हम लोग 11 तरह के लड्डू तैयार करा रहे हैं, जैसे होता ना कि एक तरह से कि नए स्पेशल क्या बनेगा इस बार हम लोग 11 तरह के लड्डू डिफरेंट डिफरेंट तरीके के बनाएंगे, और वो आपको 4 तरह को देखने को मिलेंगे।